Welcome back. So we have seen that the general had made a plan. What was the plan of general? अरे साधव तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरा प्राइवेट असासिन से, मैं उनमें से दो को तुम्हारे घर पे भेजूंगा, तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट उनका कमरे की बाहर की दरवाजा खोल के डालना, अभी गर्मी का मौसम है, किसी को शक भी नहीं लगेगा। तो इन दिस वे एवरीथिंग हैड बीन टेकन फ्रॉम साधव्स हैंड, साधव कंप्लीटली फ्री हो गया। अब साधव ये अमेरिकन वार पर्सन कमरे में आ गया। वो वार पर्सन अमेरिकन बहुत खुशी में थे, ही वॉज वेरी हैप्पी। वो बोल रहे सर मैं आपके देश से एक अमेरिकन से नहीं मिलता, आज मैं जिंदा नहीं होता। पेज नंबर 42, परहैप्स शायद साधव सर विद डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्टी के साथ बोल रहे, एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, ये काम करो जाओ सो जाओ। ही हेल्प्ड द बॉय बैक इनटू द बेडरूम, वापस बेड में जाने के लिए साधव ने मदद किया एंड देन बाउड गुड नाइट। साधव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, उस दिन रात साधव को नींद नहीं आया, क्योंकि एज पर द सजेशन बाय द जनरल ही थॉट दैट द असासिन्स वुड कम एट एनी टाइम, रात नींद नहीं आया। टाइम एंड टाइम अगेन बार बार ही वॉक उठ गया, थिंकिंग ही हियर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप, या किसी का फुटस्टेप का आवाज आ रहा है, और द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, नहीं तो एक लकड़ी तोड़ने की आवाज आ रही, और ये स्टोन डिस्प्लेस इन द गार्डन, गार्डन में स्टोन उठाकर दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करने की आवाज आ रही। ये सोच के ध्यान दे कि साधा वो कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, मतलब ये नॉइज सच एस मैन माइट मेक हु कैरीड ए बर्डन, बर्डन उठा के ले जाने के टाइम, बोझ उठा के ले जाने के टाइम जो आवाज आएगा, ऐसे कुछ आवाज आ रहे, ऐसे ध्यान दे रहे थे साधव। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम, एवरी डे खाना वुड गो, सबसे पहले उनको ब्रेकफास्ट देने के लिए, चाय पिलाने के लिए। लेकिन आज सुबह साधव टोल्ड खराय मैं जाके देख लूंगा उनका कंडीशन क्या है। इफ द अमेरिकन वर गॉन, अगर वो अमेरिकन गया, देन ही कुड सिंपली टेल खाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्ट, तब सब कुछ खाना को बताएंगे क्या क्या जनरल का आइडिया था, जनरल ने क्या क्या बोला, क्या क्या हुआ। अरे खाना तुमको कुछ पता नहीं था ना, कल इधर असासिन आए थे एंड दे हैड टेकन द अमेरिकन वार प्रिजनर, अगर वो अमेरिकन नहीं होगा ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन when he opened the door, he saw at once, लेकिन जब इन्होंने एक दरवाजा खोल कर देखा, he saw there on the pillow, वो पिल्लो में was the shaggy ugly blonde beard, blonde head, he could hear the peaceful breathing of sleep, आराम से वो सोने की आवाज आ रहे, and he closed the door again quietly, chup chap darwaza band kar diya, he is asleep, sorry, he is almost well to sleep like that, wo itna badhiya hai, that is why he can sleep like that, kyunki agar kuch bimari hai to you cannot sleep well, abhi to aaram se wo american war prisoner so rahe, matlab he is totally fit, what shall we do with him, abhi hum kya karenge isse। खाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन रिपीटेशन, क्योंकि खाना के एक ही क्वेश्चन है बार बार बार, व्हाट शैल वी डू विद हिम, अब यो क्वेश्चन दोबारा बोल रहे। साधव शुक हिज हेड, आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, एक दो दिन में मैं जरूर डिसाइड करूंगा, एक दिन तो निकल गया, बट सर्टनली ही थॉट द सेकंड डे मस्ट बी द नाइट, साधव थॉट अरे सेकंड रात होगा, और रात कौन सा रात, उनको मारने की रात। देयर रोज विंड दैट नाइट, उस रात थोड़ा हवा चल रहा था, एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बॉस, बॉस ब्रांच, हवा में पेड़ का ब्रांच शिफ्ट होने की आवाज सुन रहे थे, एट द विसलिंग पार्टीशन, वो दरवाजा हवा में बंद हो रहे खोल रहे उसका आवाज भी आ रहे,
खाना वॉक थ्रू, ये आवाज सुन के खाना वॉक व्हाट वी नॉट गो एंड क्लोज द सिख कमांड्स पार्टीशन. क्या हमें नहीं जाना चाहिए टू क्लोज द डोर ऑफ द वाइट मैन, शी आस्क्ड. नाउ कोई जरूरत नहीं है, ही इज एबल टू नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ. अभी तो बिल्कुल एबल है, ही कैन गो एंड क्लोज इट, तुम्हें जाने का कोई जरूरत नहीं. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन बस चल रही है, लेकिन जब साधव नेक्स्ट मॉर्निंग उठ कर देखा अमेरिकन वहां पे थे. एंड देन द थर्ड नाइट, ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, पक्का वो थर्ड रात होगा. और रात कौन सा रात, उनको खत्म करने की रात. द विंड चेंज्ड इनटू क्वाइट रेन, ओ कल का हवा थोड़ा बदल गया अभी बारिश में. And the garden was full of the sound. बाहर गार्डन में इतना आवाज सुनाई दे रहे, ड्रिपिंग ईव्स, ईव्स में से छज्जा, छज्जा से पानी ड्रिप होने की आवाज. एंड रनिंग स्प्रिंग्स, पानी नीचे आके भर के जाने की आवाज. साधो स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, आज थोड़ी बहुत अच्छा सोया, कारण दो दिन से नहीं सो रहा था. बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश, लेकिन ये क्रैशिंग आवाज सुनते कि ही वॉक अप एंड लीप्ड टू हिज फीट, खड़ा हो गया. व्हाट वाज दैट, खाना क्राइड, खाना शाउटेड. द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगन टू वेल क्राई, बेबी हियर द वॉइस ऑफ खाना एंड इट बिगन टू क्राई. आई मस्ट गो एंड सी, मैं जाके देख लूंगी, खाना बोल रही. बट ही खेल कर, लेकिन साधा और रियलाइज दैट असासिस आए थे एंड वो वहां पे जो फाइट चल रहा है उसका आवाज होगा, इसलिए साधा वो कॉट होल्ड ऑफ खाना एंड वुड नॉट लेट हर मूव, उसको हिलने नहीं दिया. साधव का डर का, साधव का चेहरे में जो चल वो डर खाना नोटिस. साधव शी क्राइड, शी शाउटेड, व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या हुआ आपको, छोड़ दो मुझे. डोंट गो, डोंट गो, ही muttered, ही murmured, डोंट गो, डोंट गो. His terror infected her. साधव का डर खाना को भी इन्फेक्ट कर दिया. एंड she stood breathless, waiting, waiting, waiting. कुछ टाइम के बाद बिल्कुल टोटली देयर वाज साइलेंस. टुगेदर दे क्रॉप्ड बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम. उसके बाद दोनों फिर सो गए बच्चे के बीच में सुला के. Yet when Sadhav opened the door of the guest room in the morning next day, jab Sadhav aake darwaza khol ke dekha, there was the American man, who American wahan pe tha. He was very gay, he was very happy, and he had already washed and was now on his feet. Naha liya, abhi khud ka pair pe khada ho rahe. He had asked for a razor yesterday, kal ye ek blade manga tha, and he had shaved himself, shaving bhi kiya. And today there was a faint color in his cheek. Abhi daadi daadi nahi hai, unka galon mein bilkul acha chamak bhi dikhai de raha khoon ka. Matlab blood chalne lagi, blood circulation bilkul clear ho gaya, peela color to nahi hai abhi. I am well, he said joyously. Sir, main bilkul theek hoon. Sadhav drew his kimono round his weary body, very tired. Ye, the boy was wearing a kimono. Sadhav unke paas aake unke kimono thoda tight karke de diya. Unka tired body pe. Phir, he could not. He decided suddenly, go through another night. Pakka, ye bacha, ye core din spend nahi kar payega. It was not that he cared for this young man's life. Iska matlab ye thodi hai that Sadhav cared for this young man's life. No. Ye marna kyon chahte hai? No. Simply, it was not worth the strain. Risk lena, strain lena. Sahi baat nahi. Strain lena nahi chahta Sadhav. To Sadhav kya bol rahe? You are well. Haan. Tum bilkul theek ho. साधव ये ग्रेट, ही लव्ड हिज वॉइस, एकदम साधा वो उनका आवाज लो कर दिया. यू आर सो वेल दैट
आई थिंक तुम इतना अच्छा हो दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट, अगर मैं मेरा बोट आज रात कुछ चीज भर के दे दूंगा विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट. अगर मान लो अगर मैं मेरा बोट में खाना पीना कपड़ा भर के दे दूंगा तो कैन यू रो रो कर रहा नाव चलाना रो टू द लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट. तो जाना इट इज सो नियर द कोस्ट, ओ कोस्ट के बिल्कुल पास है that it has not been worth fortifying strengthening. ye hamara coast ke bilkul paas hai isliye wahan pe protection ke liye koi police wala nahi hai. nobody lives on it, wahan pe koi rehta bhi nahi hai kyunki because in storm it is submerged, submerged aur doobna doob jana kyunki storm ki time pe ye bilkul doob jate. you could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. जब तक एक कोरियन फिशिंग बोट वहां पे आएगा तब तक you should stay there. And they pass quite near the island. वो कोरियन फिशिंग बोट बिल्कुल आइलैंड के पास तक आएगा because the water is many fathom deep there. क्योंकि वहां पे पानी इतना fathom, fathom इसे कहते measurement, 6 feet is equal to 1 fathom. वहां पे पानी बहुत fathom गहरा है तो आप आराम से आप बच सकते. The young man stared at him. साधव को देखे घूर रहे. Slowly, slowly comprehending, understanding. धीरे 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 समझ गए. Do I have to? क्या मुझे इसे करना है? इसे करना पड़ेगा? I think so. हाँ, मैं इसे सोच रहा हूँ. साधव said gently. You understand? It is not hidden that you are here. देखो ये बात तो बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है, तुम यहाँ पे है, सबको मालूम हो गया. इसलिए इट इज नॉट सेफ फॉर यू टू स्टे हियर, क्योंकि तुम्हारा न्यूज बाहर फैल गया. द यंग मैन नॉडेड. ये परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, टोटल अंडरस्टैंडिंग में ये यंग लड़का सिर हिला रहे. ओके ही सेड सिंपली, ओके ओके ओके. देन what happened in the climax we shall study in the coming 2 classes. thank you very much.